वीज़े के हवाले से। और मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि अक्सर दोस्त और काफ़ी लोग इन्फॉर्मेशन ये लेते हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और किस हवाले से बात की जाती है। तो मैंने उस पर कहा था कि मैं एक तफसीलन वीडियो बना लूँगा जब मैं इंटरव्यू देने गया हूँ तो मुझसे क्या पूछा गया है और किस तरह उनके सवालात थे और किस तरह की वहाँ पे माहौल होता है। तो उस हिसाब से मैं थोड़ी सी आपको डिटेल में उनके बारे में बताऊँगा यूएसए एमबीसी के हवाले से। अच्छा, सबसे बेस्ट तो ये है कि बंदा रिलैक्स रहे वहाँ जाके। लेकिन स्टार्ट हम यहाँ से लेते हैं कि मैं यहाँ से जब गया हूँ, मैं आपको कराची एमबीसी का वो बताऊँगा कि मैं, क्योंकि कराची से मैंने वीज़ा लिया था यूएसए का। अच्छा, इनका वीज़ा होता है 5 ईयर का, और 5 ईयर का मल्टीपल वीज़ा होता है जिसमें आप 6 मंथ का स्टे कर सकते हैं, और 6 मंथ के अलावा आप अगर चाहें तो जितनी दफ़ा आप आना जाना चाहें 5 साल में आप आ जा सकते हैं। लेकिन 6 मंथ से ऊपर अगर आपके हो जाएं, या कोशिश बंदा ये करे कि अगर उसने नेक्स्ट टाइम भी वीज़ा लेना है और उनको नीड है कि मैं वीज़ा ले लूँ नेक्स्ट टाइम, तो वो कोशिश करे कि कम से कम उनका स्टे वहाँ पर हो। अगर वो 6 महीने या 5 महीने भी वहाँ रुकते हैं तो नेक्स्ट टाइम वीज़ा लेने में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। कि सबसे पहले वो उनसे ये पूछें कि आपने 6 मंथ या 5 मंथ या 4 मंथ इधर क्या किया। लेकिन कोई भी बंदा विज़िटर जो होता है, जो विज़िट पे जाता है, वो कहीं घूमने के लिए किसी मकसद से जाता है और अपनी एक बजट होती है, उसका एक सिस्टम होता है। तो उस हवाले से इनफ कोई अगर 1 मंथ भी गुजार ले तो 6 मंथ और 5 मंथ और 4 मंथ बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर ये 5 साल में रेगुलर जाते हैं और इसी तरीके से 6 मंथ या 5 मंथ वहाँ गुजारते हैं तो नेक्स्ट वीज़े में लाजमी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अब हमारा टॉपिक इंटरव्यू पे आ जाता है कि ये किस तरह के सवालात करते हैं, किस तरह का पूछते हैं वहाँ पर और क्या इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो एक तो मैंने ये जज किया कि इनका स्टार्टिंग से ही आपके ऊपर नज़र होती है, ठीक है। और जैसे हम अंदर घुसते हैं, एमबीसी में जाते हैं, तो फर्स्ट एंट्री गेट पे होती है। फिर उसके बाद जो है सेकंड एंट्री जो है इनकी, गेट से इन होने के बाद अगर लोग होते हैं तो लाइन लगी हुई होती है, तो उसमें 4, 6, 8 लोग जो भी हों। अच्छा, इनको जाहिर बात है इन्होंने अपॉइंटमेंट अपने दी इसी सिस्टम से होती है, इनकी टाइमिंग और हर चीज़ इनको पता होता है कि हमने इतने लोगों को डील करना है। तो उस हिसाब से वो सेकेंड एंट्री हो जाती है। उसके बाद जब थर्ड एंट्री पे आप जाते हैं, वहाँ पे एक काउंटर बना होता है घुसते ही लेफ्ट साइड पे, तो उसमें बायोमेट्रिक वगैरह और जो आपका पासपोर्ट वगैरह होता है वो आप वहाँ देते हैं और बायोमेट्रिक आपका हो जाता है। वहीं से आपको लैंग्वेज का एक स्लिप मिलती है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपने इंटरव्यू ईज़िली किस लैंग्वेज में देना है। अच्छा, इसमें भी मेरा एक एक्सपीरियंस रहा कि वहाँ मैंने एक ही बंदा देखा जो इंग्लिश में भी इंटरव्यू ले रहा था और वही गोरा जो है उर्दू में भी इंटरव्यू ले रहा था। तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर ये समझते हैं कि हम इंग्लिश में इंटरव्यू देंगे तो हमें वीज़ा मिल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। बेस्ट ये है कि जिसको जो लैंग्वेज ईजीली वो उसको आंसर दे सके या उनकी बात समझ सके तो उसको वही लैंग्वेज सेलेक्ट करनी चाहिए, इंग्लिश के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, हमारी कंट्री पाकिस्तान है, हमारे यहाँ लैंग्वेज उर्दू चलती है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हम उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जाके हम इंटरव्यू देंगे तो उनको ये लगेगा कि इनको वीज़ा नहीं देना चाहिए। नहीं। अच्छा, मैंने भी वहाँ पे उर्दू ही सेलेक्ट की थी, उर्दू सेलेक्ट की। उसके बाद नेक्स्ट एक लाइन और लगी हुई थी, उस लाइन में मेरे से आगे 3-4 लोग थे। अच्छा, उसके बाद जब काउंटर पे नंबर आया ना, तो इन्होंने पहले से 95% मैंने जो अंदाज़ा लगाया, जो आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है उस पे इन्होंने पहले से वो ले लेते हैं, फाइनल कर देते हैं कि हमने इनको वीज़ा देना है या नहीं देना है। 5% आपके बॉडी लैंग्वेज पे, या आप ये समझें कि आप वहाँ पहुँचें, और उसके बाद अगर इनको कुछ लगेगा
कि इनको आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगना चाहिए, जैसे कि जो जो जिस जिस का डेटा आपने जमा कराया होगा, तो उस हिसाब से अगर इनको कुछ लगेगा कि उसका कोई डॉक्यूमेंट्स देखना चाहिए या उस डॉक्यूमेंट्स में कोई 19-20 का फ़र्क है, तो ये आपसे वो डिमांड करेंगे और काउंटर पे आपसे मांग सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये कोई डॉक्यूमेंट्स मांगते ही नहीं है, ये वहीं से डिसाइड कर लेते हैं। और मुझे आज तक इनका USA का समझ नहीं आई कि ये किस बिहाफ पे वीज़ा देते हैं। लोग ये समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्स देख कर देते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स देख कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से लग पर है, ठीक है, आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं स्टार्टिंग में, जो आप एप्लीकेशन D-160 फॉर्म जो आप भरते हैं, ठीक है, वो मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ, आप ख़ुद भी भर सकते हैं। और अगर उसके अलावा फिर दोबारा कोई पूछना चाहे तो मैं उसको दोबारा भी उसकी इसमें लिंक साथ अटैच कर दूँगा, वो देख सकेंगे। तो D-160 फॉर्म को देखते हुए ये फैसला कर लेते हैं और उनको ये पता होता है कि हमने जो है इनको वीज़ा देना है या नहीं देना है। तो उसके बाद जो आप काउंटर पे जाते हैं और ये जो इंटरव्यू करते हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद एक मिनट का भी पूरा करते हो। इनको अगर यस वीज़ा देना है तो उसमें भी ये एक आध कोई ऐसा कोई सभी सवाल पूछ लेते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो मुझसे पूछा गया था कि आप कहाँ जाएंगे, तो मैंने इनको कहा था कि मैं जो है गूगल पे सर्च करके जो अच्छी जगहें होंगी वहाँ घूम लूँगा। अच्छा, मैंने इनकी एक चीज़ का और अंदाज़ा लगाया कि ये इनको झूठ से एलर्जी है, ये चाहते हैं कि हर बंदा जो है वो सच बोले। तो इनको सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये लगना चाहिए कि आप सच कह रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उसी टाइम इन्होंने कन्फर्म कर दिया कि आपको 2-3 डेज में कॉल भी आ जाएगी या SMS आ जाएगा, आप अपना पासपोर्ट रिसीव कर लें। तो ये वहीं आपको फैसला करके बता देते हैं कि आपको वीज़ा देना है नहीं देना है। तो ये इस तरीके से मेरे हिसाब से एक मिनट का भी इंटरव्यू नहीं होता है। और विजिट वीज़ा जिसको B-1 B-2 बोलते हैं, इजीली वीज़ा ये दे देते हैं, बंदे के लग पर होता है। मेरे हिसाब से अगर कोई 10 लोग अप्लाई करते हैं तो 5-6 को ये वीज़ा देते हैं। और इस वक्त इनका रेशो बहुत अच्छा है वीज़ा देने का। तो मैंने पिछली वीडियो में भी ये बोला था कि जो शख्स USA के लिए इंटरेस्टेड हो वो USA के लिए अप्लाई करें, और इनकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो ये आपको वीज़ा देंगे, अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होगी तो ये वीज़ा नहीं देंगे, ऐसी कोई इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी अप्लाई करें, वो एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो उसको भी अप्लाई करना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, पिछली वीडियो में भी मैंने दरख्वास्त की थी कि वीडियो तो सब देखते हैं और ना वीडियो को लाइक करते हैं और ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में भी मैंने उसके साथ अटैच किया था कि 76% लोग जो हैं उसको देख रहे हैं वीडियोज़ को। तो ये है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए मतलब कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बना के अपलोड करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैंने UK का वीज़ा लिया था, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं UK पे आपको एक वीडियो नॉलेज वाली बना के अपलोड करूँ। मैंने जर्मनी से वीज़ा लिया था, उसके मतलब जिस जिस कंट्री में मैं बाजार पे खुद गया हूँ वीज़ा लेने, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊँ। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।